कौन कौन फर्स्ट टाइम किए? कैसा लगा? हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. तर आज आहे संडे. आणखीन आज संडेचा दिवस खूप स्पेशल होणार आहे, कारण की मी चाललेले आहे माझ्या योगा स्टुडिओमध्ये आणि तुम्हाला दाखवीन आहे की काय मी करणार आहे. एक खूप डिफरंट टाईपचं मेडिटेशन मी करणार आहे, तर त्याच्याकरता जाते पाहूया कसा राहिला तो मेडिटेशनचा एक्सपिरियन्स. आणखीन तुम्हाला मी पुष्कळशा त्याचे बेनिफिट्स पण सांगीन आहे, तर ट्यून राहा. माझ्या बरोबर आहे अमित सर, अँड आज का जो व्हिडिओ आहे वो हिंदी में होने वाला आहे, क्योंकि अमित सर को तो मराठी आती नहीं है. तो सबसे पहले सर, आप प्लीज अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन हमें दे दीजिए और बताइए. हेलो, माय सेल्फ योगाचार्य अमित कुमार, एंड मैं 8 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ. मैंने नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, योगा क्लासेस वगैरह, मतलब क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूँ. तो आज का टॉपिक है त्राटक. तो त्राटक क्या होता है आप लोगों को मैं इसके बारे में बताऊंगा, त्राटक क्यों करना चाहिए और इसकी सावधानियां क्या है. तो त्राटक बेसिकली आप किसी तरह से भी कर सकते हो. जैसे आप कहीं पर बैठे हुए हो शांत जगह पे, आपके वहाँ पर बिल्कुल भी साउंड नहीं आना चाहिए. तो आप त्राटक में क्या करते हो ना, कि कैंडल को सामने रख करके, ठीक है, आप अपने बिल्कुल आई के कॉन्टेक्ट में सामने से उनके फ्लेम को जलते हुए देखना है. उसे फ्लेम को जलते हुए देखना है एंड उसे बिल्कुल पॉइंट आउट करना है, बिल्कुल उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है. कॉन्सेंट्रेट जब आप करोगे तो आपके आईज से धीरे धीरे पानी निकलेंगे, यानी कि आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होगा. तो वो आपके लिए बहुत सही है, ये आपके आईज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. माइग्रेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, हिस्ट्रिया के प्रॉब्लम के लिए, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है. दूसरा त्राटक हम बात करते हैं सूर्य त्राटक. आप अपने ओपन आईज से बिल्कुल सूर्य को बिल्कुल सामने से देख, मतलब सामने देखना है आपको, और आपकी आँखों में धीरे धीरे पानी आएगा. तो ये भी एक सूर्य त्राटक आप कर सकते हो. थर्ड त्राटक, आप ऐसे किसी भी घर पे कोई भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पॉइंट को लेकर के, आप सपोज दैट मान लो आप किसी घर पे, अपने घर पे बैठे हुए हो, आप सामने अपने वॉल पे एक पॉइंट, मतलब पॉइंट बना लो, आप अपने स्केच पेन से पॉइंट बना लो, आप उसको बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल फोकस करते हुए उससे देखना है. जब आप उसे फोकस करते हुए देखोगे तो फिर भी आपके आँखों से पानी निकलेगा. तो इन द सेंस कि मतलब आपके आंखों से जो पानी निकल रहे हैं वो आपकी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है. जब आप त्राटक कर रहे हो, ठीक है, तो त्राटक में आपको आईज़ को ब्लिंक नहीं करना है, आपको बिल्कुल सामने ही कॉन्सेंट्रेट करना है. आप 5 मिनट, 10 मिनट जितनी देर कर सकते हो आपको करना है, क्योंकि आप जब आईज़ को ब्लिंक करोगे तो ये सही नहीं होता है. आप जितना देर रख सकते हो रख सकते हो, क्योंकि आपके आँखों से पानी आना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है. इसीलिए त्राटक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल है. और मैं उम्मीद करूँगा कि सभी लोग इस वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और काफ़ी अच्छा है ये त्राटक. और आज हम लोग इवनिंग में ये त्राटक की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर करें. सर, तो बहुत अच्छा हमें इन्फॉर्मेशन जो है सर ने बताया. तो सर, एक दो कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं जो मुझे आ रहे हैं, कि गूगल पे भी जब मैंने देखा था तो ऐसा था कि क्या ये डेंजरस है, मतलब ये ऐसा जो पहला क्वेश्चन गूगल पे मुझे दिखा वो था कि ये डेंजरस है क्या, तो आँखों के लिए मतलब ऐसा कोई भी इसे कर सकता है या जैसे आपके सुपरविजन में ही इसे करना है ऐसा? बिल्कुल नहीं, नहीं कोई भी कर सकते हैं. बट सबसे पहली चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करो इसके. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे सपोज दैट आप मेडिटेशन में बैठते हो, तो मेडिटेशन के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है. आप डायरेक्टली अगर सोचोगे कि मेडिटेशन में मैं मेडिटेशन कर लूँ, तो ये आपसे हो नहीं पाता है. तो किसी के गाइडलाइंस में, अगर आप किसी टीचर के गाइडलाइंस में अगर आप त्राटक करते हो सही से, एंड वो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं सही से कि आपको त्राटक कैसे करनी है, तो आप डेफिनेटली इसे बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हो. और कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, कोई ज़्यादा कोई नुकसान वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप ईजिली कर सकते हो इसे. ओके, सो बिल्कुल बिल्कुल सही. थैंक यू सर, ये क्योंकि बहुत लोगों का डाउट था ये. और एक, आज हम लोग जैसे इवनिंग में इस प्रोसेस को करने वाले हैं, तो अभी सुबह जो सर के पास टाइम था तो मैंने सोचा कि थोड़ा नॉलेज सर पहले शेयर कर देंगे इसके बारे में. तो ये इवनिंग में ही सर हम लोग कर सकते हैं या सुबह भी, मतलब yes, कर सकते हैं? मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी कर सकते हैं. बट बेसिकली आपका क्या होना चाहिए त्राटक के लिए, कि आपके रूम पूरे डार्क होने चाहिए, मतलब बिल्कुल भी लाइट नहीं. क्योंकि आप जब कैंडल को जलाओगे या दिए को जलाओगे, ठीक है, तो आपको बिल्कुल उसके एक लाइट जो होता है, उसकी एक रोशनी जो होगी, तो वो आपके इफेक्ट, मतलब आपके आईज़ पे आनी चाहिए. वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है. करें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. तो ये दोस्तों हमारा शाम का समय था और हम हमारे योगा स्टूडियो में यहाँ पर मिले हुए हैं त्राटक क्रिया के लिए.
और एक राउंड जैसे सर्कल में हमें सर ने बिठाया था। यहाँ पे अराउंड 3 to 4 feet की दूरी पर एक एक कैंडल्स हम लोगों ने रखी हुई थी, एक एक पार्टिसिपेंट के सामने एक एक कैंडल थी और सभी लोग जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए थे। तो कोई जो है वो वज्रासन में बैठा हुआ था, कोई सुखासन में। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो नॉर्मल जैसे सुखासन, मतलब आलती पालती मार के जैसे हम लोग बैठते हैं वैसे नॉर्मली सब लोग बैठे हुए थे। और मोमबत्ती की जो टिप होती है कैंडल की, उसको हमें देखना था, तो एकदम बहुत कॉन्सेंट्रेट करके देखना था। और यहाँ पर साथ ही सर ने बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चलाया हुआ था, जो मेडिटेशन का उनका म्यूज़िक था, और वो अपना मेडिटेशन का जो एक स्क्रिप्ट थी उनकी उसको भी पढ़ रहे थे। तो बहुत ही वो पीसफुल जो थी पूरी स्क्रिप्ट थी वो। और इसी तरीके से जो है हमें पूरा कैंडल की जो लॉ थी उसके ऊपर पूरा फोकस करना था, और जब तक आंखों में से बिल्कुल पानी नहीं आ जाता तब तक उसको आपको देखते रहना है। तो ज़्यादा एकदम स्ट्रेस भी नहीं करना था। और सर जो है वहाँ पे मेडिटेशन की स्क्रिप्ट में अपना जो ये पूरा गाइडेंस इसका पढ़ ही रहे थे हम लोगों के लिए। और बहुत एकदम जलन हो रही थी आँखों में, बट जब पानी निकल जा रहा था तब एकदम रिलैक्स हो जा रहा था फिर आँखें। तो इसी तरीके से ये हमारा सेशन अराउंड हाफ एन आवर चला। तो एक टाइम पे बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि सिर्फ आपको जो लॉ होती है उसी के अराउंड एक येल्लो सा बॉल दिखने लगता है। तो ये जो सारी चीज़ें थी सर अपने गाइडेड मेडिटेशन में बता रहे थे। और ये जो त्रातक क्रिया है ये आँखों की रोशनी के लिए और आपका एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। कुछ देर बाद जैसे ही हम अपनी हर योगी प्रैक्टिस को एंड करते हैं ओम शांति के साथ, वैसे ही इसे एंड किया। तो अभी जो है ऑलरेडी बज चुके हैं 10:30 और मेरे को जो मेरा त्राटक प्रोसेस था उसको, उस मेडिटेशन को, उस योग को कंप्लीट करके मुझे आई थिंक 3 hours ऑलरेडी हो चुके हैं। पर यू कैन सी कि माय आईज आर स्टिल पिंक, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन फोकस आप करते हैं एक पॉइंट पे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आँखों में स्ट्रेन होता है। तो आज मैंने ट्राई करा है कि मैं ज़्यादा स्क्रीन आज जो है वो नहीं यूज़ करूँगी, मैं थोड़ा लिमिटेड रखूँगी अपना स्क्रीन का यूजेज, बिकॉज़ यूजुअली मैं स्क्रीन काफ़ी यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ एवरीबडी नाउडेज इज़ यूजिंग। तो आज इतना अच्छा जो मैंने अपनी आइज़ को एक डिटॉक्स किया है, तो मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहती उस एक्सपीरियंस को, और रेस्ट देना चाहती हूँ, थोड़ा सा डिजिटल चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ। तो आप भी आई थिंक ये जो प्रोसेस है, ये मेडिटेशन का फॉर्म है, योगा का फॉर्म है, ये आप ज़रूर करिए। तो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, तो ये मेरा यूजुअली चैनल मराठी में मैं वीडियोस बनाती हूँ, बट एज़ दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन, आई मीन आई वांट दिस मैसेज टू रीच टू एवरीवन, तो इसीलिए हिंदी में ये वीडियो बनाया हुआ है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मराठी हैं तो कर ही लीजिएगा, मराठी नहीं भी हैं तो कुछ वीडियोस जो हैं वो इसी तरीके से लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं रहेंगे, तो आप उनका बेनिफिट भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।